एक म्हणले की मध्ये मी पेशंट झोपतो, एक जण म्हणला एक पेशंटवर झोपते एक जेलमध्ये झोपते, जनतेने काय करायचं? जेलमध्ये झोपते म्हणजे रत्नाकर कुठे आणि स्टेशनवर झोपते म्हणजे माझे जामकर? पुन्हा ते म्हणले की मी 5-5 वर्ष मायबाबालाही भेटत नाही, तर तू मायबाबालाच 5-5 वर्ष भेटत नाही म्हणल्यावर तू म्हाताऱ्याला काय भेटशील बाबा? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, उसी तरह से तेजी से प्रचार की गतिविधियां भी बढ़ती नजर आ रही है। आज तारीख 22 अप्रैल 2024 सोमवार के रोज महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संजय जाधव उर्फ बंडू बॉस, इनके प्रचार के लिए राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के जिला महानगर अध्यक्ष एवं प्रभाग क्रमांक 2 के नगर सेवक जाकिर अहमद खान उर्फ जाकिर लाला, इनके नेतृत्व में अली खान, इन्होंने प्रभाग क्रमांक 2 में बड़े पैमाने पर रैली निकालकर इस इलाके के नागरिक, महिला, व्यापारी, दुकानदारों से मुलाकात करते हुए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार की निशानी मशाल के पॉम्पलेट बांटते हुए परभणी जिले के ईवीएम मशीन में मशाल का बटन दबाकर बड़े पैमाने पर जीत हासिल कराए, ऐसी अपील इस समय की गई है। उनके साथ इस समय रैली के अंदर सांसद फौजिया खान, जिला अध्यक्ष विजय गवाने, जाकिर अहमद खान, अली खान, उसी के साथ संतोष बोबड़े, कार्य अध्यक्ष विकास लंगोटे, मुखद्दर खान, ओबीसी सेल के शहर अध्यक्ष जुबेर बागवान, इनके साथ बड़े पैमाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी और अली खान मित्र मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, महिला, पुरुष, विशेषकर युवा बड़े संख्या में मौजूद थे। इस समय आनंद नगर, मदीना पार्टी, मदीना नगर, मोहम्मदिया मस्जिद, नगर सेवक नगर, सारनाथ चौक, गुलजार कॉलोनी, मल्लार नगर, प्रकाश अंबेडकर नगर, इन इलाकों में प्रभाग क्रमांक 2 को पूरी तरीके से छानते हुए यहाँ के घर घर जाकर डोर बजाते हुए उन्हें मशाल को वोट किस तरह दिया जाए, ऐसी अपील की गई है। सेलू शहर के गुलमोर कॉलोनी स्थित हाजी शफीक अली खान, इन्हें स्वर्गीय अन्ना साहेब काकड़े सेवाभावी संस्था की ओर से मान कर्तव्य का इसके सम्मान किया गया। महाराष्ट्र राज्य बिजली महामंडल के जालना अभियंता हाजी अनीस कुरैशी, इनका लड़का डॉक्टर आफ्ताब कुरैशी, इसने MBBS में मेडिकल कॉलेज में अच्छी कामयाबी हासिल करने के उपरांत जिला परिषद स्कूल के हदगांव पावड़े स्थित कार्यरत काम करने वाले शिक्षक शेख मौजम, इन्होंने भी PhD की डिग्री हासिल की है। इन तीनों का भी सत्कार इस समय किया गया। इस समय मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य शेख महमूद सर, निसार पठान, शेख शमशुद्दीन, शेख इमामुद्दीन, इमरान कुरैशी, जावेद घोरी, मोहम्मद हारून सर, जकी अहमद सिद्दीकी सर, शेख रफीक सर, पठान रशीद खान, शेख असगर आदि के साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद थे। 21 अप्रैल 2024 रविवार के रोज शाम 7 बजे के दरमियान सेलू शहर में हफ्तरी बाजार के इलाके में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार सैयद इरशाद अली, इनके प्रचार के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में प्रमुख अतिथि के तौर पर SDPI के राष्ट्रीय सचिव रियाज फरंगी पेट ये हाजिर थे। इस समय मंच पर SDPI के उम्मीदवार सैयद इरशाद अली, शेख सरफराज, अब्दुल रऊफ, शेख अशफाक, शाहरुख खान, सैयद असलम, नईमुद्दीन सिद्दीकी, अजहर तामोड़ी, ताज सिद्दीकी, इनकी उपस्थिति दिखाई दी। इस समय SDPI के राष्ट्रीय सचिव रियाज फरंगी पेट, इन्होंने कहा कि देश में जातिवाद का बीज बोते हुए राजकारण करते हुए उन्होंने अपनी सत्ता स्थापन की है। इस कार्यक्रम के दौरान SDPI के पक्ष के परभणी जिला सचिव मुफ्ती अब्दुल अजीज, सेलू तालुका अध्यक्ष मौलाना रिजवान मिल्ली, उसी तरह हाफिज शेख असलम, अब्दुल माजिद तालुका उपाध्यक्ष हाफिज अतीक फुरखानी के अलावा पक्ष के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन हाफिज शेख असलम इन्होंने किया, तो आभार मौलाना रिजवान मिल्ली इन्होंने माना। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की फदरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभणी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संजय जाधव उर्फ बंडू बॉस के प्रचार के दौरान तारीख 21 अप्रैल 2024 रविवार के रोज रात 9 बजे के दरमियान अक्षदा मंगल कार्यालय में संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
इसके आयोजक विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ये रहते हुए इस समय महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संजय उर्फ बंडू यादव, इन्होंने कहा कि 1400 गांव में से 1000 गांव में लीड नहीं मिली तो चुनकर आने के बावजूद मैं अपने खासदारकी का इस्तीफा दे दूंगा। हम नस देखकर नस्तर चलाते हैं, हम भी एक ऐसे इंसान है। इस तरीके से उन्होंने जो बात कही, इससे एक दूसरे को टोला मारते हुए महायुति के उम्मीदवार से कहा कि ये उम्मीदवार महादेव जानकर और विधायक गुट्टे पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले दिनों में ये एक रेल में रहेगा तो दूसरा जेल में रहेगा, तो आम इंसान के आने वाली मुसीबतों को ये कहाँ से छुड़ा पाएंगे। हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं, पार्टी के पदाधिकारी और मंच पर बैठे हुए लोक प्रतिनिधि आपको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी मिल सकते हैं और मिलते आ रहे हैं। ऐसी प्रतिक्रिया अक्षता मंगल कार्यालय में विधायक राहुल पाटिल ने इन्होंने आयोजित की हुई संवाद सम्मेलन में तारीख 21 अप्रैल 2024 रविवार के रात 9 बजे अक्षता मंगल कार्यालय में विधायक राहुल पाटिल संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस समय मंच पर सांसद फौजिया खान, लोकसभा उम्मीदवार संजय यादव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं विधायक सुरेश राव वरपुड़कर, पूर्व विधायक सुरेश देशमुख, विधायक राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष विजय गवाने, पूर्व महापौर भगवान राव वाघमारे, कांग्रेस महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, डॉक्टर विवेक नावंदर, भीमराव हाथी अंबिरे, बाला साहेब देशमुख, गुलाम मोहम्मद मिट्टू, नवनीत पाजपोर आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय मौजूद थे। नम्र विनंती कराए आज माणूस इत है उद्या 26 तारखेंद्र कुछ जाना तुम्हारा महत्ति है का एक मनले कि एक जन म्हणला एक स्टेशनवर झोपते एक जेलमध्ये झोपते, जनतेने काय करायचं? जेलमध्ये झोपते म्हणजे रत्नाकर कुठे आणि स्टेशनवर झोपते म्हणजे महादेव जानकर? पुन्हा ते म्हणले की मी 5-5 वर्षे मायबाबालाही भेटत नाही, तर तू मायबाबालाच 5-5 वर्षे भेटत नाही म्हणल्यावर तू मतदाराला काय भेटशील बाबा? तुका म्हणे ते पाहिजे जातीचे येड्यागाबाळ्याचे काम नव्हे, हे परभणी का आहे, परभणी शहर कसं आहे, परभणी जिल्हा कसा आहे, इथं लोक एक दुसऱ्यांशी वेगळी नाळ जोडलेले लोक आहेत। लोकांच्या सुखात दुःखात रात्री बेरात्री अडीअडचणीत मदतीला धावून जाणारे आम्ही सगळेजण आहोत। आजपर्यंत परभणीमध्ये जेव्हाही काही चांगले वाईट प्रसंग आले असतील तेव्हा आणि आजही जेव्हा कधी कुठला प्रसंग उद्भवतो त्यावेळेस खासदार असो आमदार असो पूजा खान मॅडम असतील आम्ही हे अस्तर बसलेले कोणत्याही व्यक्तीला जर सूचना केली आम्ही तात्काळ त्या ठिकाणी उभं राहून त्या ठिकाणी ती विषय आम्ही हाताळतो आणि तो विषय धागेवर संपवण्याची गमत त्या व्यसनावर बसलेल्या सगळ्या व्यक्तीमध्ये आहे, आपण आजपर्यंत अनुभवले। परभणी तहसील के बलसा गांव के नागरिकों ने यहाँ के सरपंच के साथ ये सब लोग आकर जिलाधिकारी को निवेदन दिया। निवेदन में कहा है कि गौठान के जमीन पर कुछ गुंडे किस्म के लोगों ने यहाँ पे कब्जा का जमा लिया है और यहाँ पर आने वाले जाने वाले आवाजाही करने वाले महिलाएं बच्चियों को और तकलीफ दिया करते हैं, जोर जोर से गाने लगाते हैं, नशाखोरी करते हैं। इन सब चीज़ों से बलसावासी परेशान हो चुके हैं। उसी से तंग आकर उन्होंने जिलाधिकारी को निवेदन देते हुए कहा है कि अगर हमारे मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले इस चुनाव पर पूरी तरीके से पूरा गाँव बहिष्कार डालेगा। इस तरीके का निवेदन चुनाव निर्णय अधिकारी और जिले के SP इन्हें देते हुए आज उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आम्ही बलसा गावातील सर्व नागरिक जिल्हाधिकाऱ्यालय इथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती मतदानाच्या बहिष्काराविषयी। आमच्या काही मागण्या होत्या की आमच्या गावठाणामध्ये अतिक्रमण करून बसलेले काही लोक त्यांना हटवण्याच्या, तरी आज जिल्हाधिकाऱ्यांनी यांनी आम्हाला आश्वासन दिले की 2 दिवसांमध्ये मी तुम्हाला लेखी स्वरूपामध्ये पत्र देतो की त्यांच्यावर 1-2 महिन्यात कारवाई करू, उद्या किंवा परवा ते पत्र आमच्या हातात पडेल, त्याचा निर्णय काय आहे, पत्रामध्ये काय उल्लेख केला आहे हे पाहू, नसता आम्ही तीव्र आंदोलन करू व तीव्र मतदानावर बहिष्कार करणार आहोत। कोणीही गावातील व्यक्ती मतदान करणार नाही जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कोणीही मतदानाला जाणार नाही। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की 2622वीं जयंती 21 अप्रैल रविवार के रोज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा और भगवान महावीर की प्रतिमा के पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बच्चे सहित जैन समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। सुबह करीब 8 बजे से सेलू कस्बे में जैन मंदिर से जुलूस शुरू हुआ। सुसज्जित पालकी में भगवान महावीर की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा का सेलू शहर के मुख्य मार्गों पर जगह जगह उत्साह के साथ स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों झांझ मंजीरों के ध्वनि में भगवान महावीर के जय जयकार के वातावरण गुंजायमान हो गया। महावीर जयंती के अवसर पर पिछले 4 दिनों से जैन मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। शहर के सकल जैन समाज बंधुओं ने उत्सव की पहल की। Thank you.
खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दिगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेरोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू, बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे, पतले बालों का इलाज फायदेमंद है। साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए, चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा व चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड पर भनी, 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। होगी उद्धव ठाकरे की सभा, परभणी लोकसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के नेताओं की होगी उपस्थिति। परभणी लोकसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संजय यादव के प्रचार के लिए 23 अप्रैल 2024 मंगलवार के रोज शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे परभणी में एक सार्वजनिक सभा आयोजित किए जा रही है। इस प्रचार का अंतिम चरण में ये ध्यान आकर्षित करने वाला होगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम चरण में उद्धव ठाकरे इनकी बड़ी सभा आयोजित की गई है। शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के चुनाव के मैदान से 2 दिन पहले ही परभणी में जंगी सभाओं में शामिल होते रहे हैं। ठाकरे की ये हर बैठक निर्णायक रही है। ये सिलसिला उद्धव ठाकरे ने भी कायम रखा है। इस जिले में प्रत्येक चुनाव अभियान के अंत में शिवसेना के सभाओं की आयोजित की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि स्टेडियम मैदान हर बार को शिवसेना का एक स्थान बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी बदलते राजनीतिक समीकरणों के पृष्ठभूमि पर मंगलवार शाम को तो बाला साहब ठाकरे इनकी सभा आयोजित की गई है। ये सभा शाम 6 बजे स्टेडियम ग्राउंड में होने वाली है। आयोजित सभा में महाविकास आघाड़ी के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार, पक्ष के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, शिवसेना के नेते मिलिंद नार्वेकर, ये दोनों भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नाना पटोले ये सभा के लिए उपस्थित रहेंगे ऐसा बताया जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए शिवसेना के नेताओं ने ये कोशिश जारी की है कि ये महाविकास आघाड़ी के नेताओं की भी एक बैठक आखिरी स्टेडियम मैदान में हो जाएगी और यहाँ पर जिस तरीके से नागरिकों का मजमा रहेगा, जनसैलाब किस तरीके से रहेगा और आने वाले उद्धव बाला साहब ठाकरे यहाँ क्या उपदेश और क्या सूचना देंगे, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है। परभणी लोकसभा चुनाव क्षेत्र के महायुति के उम्मीदवार और राष्ट्रीय समाज पक्ष के अध्यक्ष महादेव जगन्नाथ राव जानकर इनके चुनाव के प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तथा पूर्व ग्राम विकास मंत्री पंकजाताई मुंडे तारीख 23 अप्रैल 2024 मंगलवार के रोज महायुति के कार्यक्रम के संयुक्त बैठक में मार्गदर्शन करने आ रहे हैं। जिंतूर स्थित राधा कृष्ण मंगल कार्यालय रिन पार्क के सभागार में मंगलवार दोपहर 2 बजे विशेष बैठक का आयोजन किया गया है। इस समय विधायक सो मेघना साकोरे बोर्डीकर हाजिर रहते हुए कार्यकर्ताओं को इस बैठक में बड़ी संख्या में हाजिर रहने का आह्वान विधायक मेघना बोर्डीकर इन्होंने किया है। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूवर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना जरूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज आपके सामने प्रकाशित कर सके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।